इसी तरह जो है, जो एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, मैक ओएस एक्स इसका जो वर्जन है, दैट यूजेस एक्वा जीयूआई इंटरफेस. एक्वा इज द नेम ऑफ दैट इंटरफेस विच इज प्रोवाइडेड बाय द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट हैज यूनिक्स कर्नल. एक्चुअली ये यूनिक्स कर्नल जो है उसको यूज करता है, और उसके ऊपर जो है ये अपना जो शेल जो है, एक्वा शेल जो है, ये प्रोवाइड करता है एज एन इंटरफेस. सिमिलरली सोलारिस जो है, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इट इज सी एल आई विद ऑप्शनल जी यू आई इंटरफेसिस. तो ये एक सी एल आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये भी जी यू आई इंटरफेसिस प्रोवाइड करता है, विच आर नोन एज जावा डेस्कटॉप एंड के डी ई. वन थिंग डैट यू नीड टू कीप इन माइंड हियर इज कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो मल्टीपल शेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि लिनक्स जो है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जीयूआई जो है अवेलेबल है, लाइक उसमें जो है जी नॉम जो है, या के डी ई, आपने ये नाम सुना होगा. तो ये दीज आर टू डिफरेंट इंटरफेसेस विच आर अवेलेबल इन दी लिनक्स एनवायरनमेंट. इसी तरह जो है ये बॉर्न शेल कमांड इंटरप्रेटर है, ये भी लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर जो है अवेलेबल है. एंड ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स जो है, उसका जीयूआई दिखाया गया है इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट जो है कम्स द सिस्टम कॉल्स. अभी हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसका कर्नल पार्ट जो है, इसके ऊपर जो अभी फिगर हमने डिस्कस की थी, दिस वन, के ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का जो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द कर्नल पार्ट जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है. इस कर्नल पार्ट के ऊपर जो है सिस्टम्स कॉल लेयर है, और उसके ऊपर जो है वो इंटरफेस लेयर जो है वो होती है. तो ये सिस्टम कॉल्स लेयर जो है, ये एक्चुअली है क्या? नाउ वी विल डिस्कस दिस सिस्टम्स कॉल. सिस्टम्स कॉल जो है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक प्रोटेक्शन है, या कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, या फाइल मैनिपुलेशन सर्विसेज हैं, प्रोसेस से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जितनी भी ये सर्विसेज जो कि कर्नल के अंदर शामिल हैं, कर्नल पार्ट के अंदर, तो तमाम की तमाम सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हमें सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ती है. सिस्टम्स कॉल जस्ट लाइक यू कैन इमेजिन, जिस तरह आप सी के अंदर जो फंक्शंस कॉल इस्तेमाल करते हो, कि आपने आपका प्रोग्राम जो है, अगर कुछ कुछ फंक्शंस को कॉल करना चाहता है, तो हमें वो फंक्शन जो है वो कॉल करने पड़ते हैं. तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तमाम जो सर्विसेज हैं, हम कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है. और जब भी हमें किसी फंक्शन को या किसी सर्विस को अवेल करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस सर्विस को कॉल करना पड़ता है. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी के हम फंक्शन कॉल की टर्मिनोलॉजी यूज करें, यहाँ पे हम इस ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं सिस्टम कॉल्स. Because system calls जो है, they are slightly different from the function calls in the way they are implemented and they are handled. तो system calls जो है, they provide a programming interface to the services which are given by the operating system. And typically system calls जो है, they are written in the high level languages like C या C++ के अंदर ये लिखी होती है. तो हमारे जितने भी application programs होते हैं, या यूजर प्रोग्राम जो होते हैं, वो इन सर्विसेज को या सिस्टम कॉल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ एपीआई जो है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है, इन सर्विसेज को जो है वो कॉल करते हैं. तो डायरेक्टली हम सिस्टम कॉल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें जो है एपीआई जो है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है, और एपीआई जो है इन टर्न जो है वो इन सिस्टम कॉल्स को इस्तेमाल करते हुए जो रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती है. तो तीन मोस्ट कॉमन एपीआई जो अवेलेबल हैं, दैट इज दी विंडोज Win32 API फॉर द विंडोज इन्वायरमेंट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. इसी तरह POSIX API है, जो कि यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या जितने भी जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हैं,
अगर आप उस एनवायरनमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं तो POSIX API है, और जावा वर्चुअल मशीन्स के लिए जावा API जो है अवेलेबल है। यानी अगर आपने विंडोज़ की सर्विसेज को कॉल करना है तो यू हैव टू यूज़ Win32 API। अगर आप यूनिक्स लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को कॉल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज़ POSIX API, और जावा वर्चुअल मशीन के लिए आपको जावा API इस्तेमाल करनी पड़ती है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, दैट व्हाई यूज APIs रादर देन सिस्टम कॉल्स। कि हम डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स को इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, हमें API को क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है? एनी आइडिया कि हम ऐसा क्यों करते हैं? लैब के अंदर आपने हो सकता है ये डिस्कस की हो चीज़ कि Win32 API हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? नो सर, नो आइडिया। लैब में डिस्कस नहीं किया ये? ओके, द वन रीजन दैट इज दैट व्हाई वी यूज APIs रादर देन सिस्टम कॉल्स। एक तो चीज ये है कि सिस्टम कॉल्स जो है दे आर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक सिस्टम कॉल्स होती है। लाइक विंडोज अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो सिस्टम कॉल्स कुछ और है, और अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो उस केस में सिस्टम कॉल्स जो उनके नेम जो है वो डिफरेंट होंगे। तो सिस्टम कॉल्स जो है दे आर ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट, दे देयर नेम्स जो है दे कीप चेंजिंग फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम टू दी नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है आपकी सिस्टम कॉल का नेम कुछ और है, और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इन सिस्टम कॉल्स का नेम जो है वो डिफरेंट है। तो अगर यूजर प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स को इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में क्या प्रॉब्लम अब अकर होगा? पोर्टेबिलिटी का, कि आपके प्रोग्राम जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे पोर्टेबल नहीं होंगे। लाइक अगर आपने विंडोज एनवायरनमेंट में एक यूजर प्रोग्राम लिखा है जो कि डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो दिस प्रोग्राम जो है इट वुड नॉट बी एग्जीक्यूटेबल ऑन सम अदर सिस्टम। लाइक लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर जो ये प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा क्योंकि वहां पे सिस्टम कॉल्स के नेम्स जो है वो डिफरेंट होंगे। तो प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी जो है इस कंसर्न की वजह से हम डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि API को इस्तेमाल करते हैं। API जो है आगे सिस्टम कॉल्स को इस्तेमाल करती है, उनको कॉल करती है, उनको यूज करती है। तो API की वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो पोर्टेबल बन जाता है। वी कैन पोर्ट इट फ्रॉम वन मशीन टू दी अदर मशीन, हम इसको इजीली जो है वो पोर्ट कर सकते हैं। सेकंड जो रीजन है कि व्हाई वी डोंट यूज सिस्टम कॉल्स डायरेक्टली, वो ये है कि सिस्टम कॉल्स जो है दे आर कम्प्लेक्स इन नेचर। इनके नेम्स जो है वो बहुत थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं, जो पैरामीटर्स इनको पास किए जाते हैं दे आर मोर कम्प्लेक्स जो है इन नेचर। तो दिस इज अनदर रीजन कि वाई वी डोंट डायरेक्टली यूज सिस्टम कॉल्स, जबकि API जो है वो एक यूजर फ्रेंडली जो है वो हमें नेम्स या पैरामीटर नेम्स प्रोवाइड करती है, और हम जो है ज्यादा इजीली जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग APIs एज कंपेयर टू दी सिस्टम कॉल्स। तो दीज आर द टू मेजर रीजंस दैट व्हाई वी डायरेक्टली डोंट यूज सिस्टम कॉल्स, इंस्टेड वी यूज APIs। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम कॉल। ये एक सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा है जो कि एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरी फाइल के अंदर जो है वो कॉपी करता है। लाइक एक सोर्स फाइल है, उस सोर्स फाइल के कंटेंट्स को हमने रीड करके कॉपी करना है डेस्टिनेशन फाइल के अंदर, यानी उसके अंदर हमें राइट करना है। या आपने एक C++ का प्रोग्राम लिखा है जो कि हो सकता है एक टेक्स्ट फाइल को रीड करता है और एक दूसरी टेक्स्ट फाइल के अंदर उन्हीं कॉन्टेंट्स को जो है वो राइट करता है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो बैकग्राउंड में किस तरह की सिस्टम कॉल्स इस्तेमाल कर रहा है, ये हमें यहाँ पे ये हमें आइडिया दिया गया है कि सिस्टम कॉल सीक्वेंस क्या होगा इफ यू वांट टू राइट सच अ प्रोग्राम। सबसे पहली सिस्टम कॉल जो हमें रिक्वायर्ड होगी दैट आस्क फॉर द
इनपुट फाइल नेम, सबसे पहले तो देखिए आपको ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए इनपुट फाइल नेम चाहिए होगा कि कौन सी फाइल से आपने डेटा रीड करना है, प्लस आपको आउटपुट फाइल जो है उसका नेम भी चाहिए होगा कि किस फाइल के अंदर आपने डेटा रीड करके कॉपी करना है राइट या राइट करना है। तो आपको दोनों फाइल्स के नेम चाहिए। तो अब ये फाइल्स के नेम हम कैसे से डिटरमिन करेंगे, हमें इसके लिए सिस्टम कॉल जो है वो आपका जो है वो जनरेट होगी बैकग्राउंड में। तो ये सिस्टम कॉल क्या करेगी, इट विल एक्वायर द इनपुट फाइल नेम। अब इस नेम को एक्वायर करने के लिए इट माइट यूज अनदर सिस्टम कॉल, यानी एक तो ये हमारी इनपुट एक्वायर इनपुट फाइल नेम, ये एक सिस्टम कॉल है। अब ये एक सिस्टम कॉल हो सकता है एक और दूसरी सिस्टम कॉल को कॉल कर रही है जो कि स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट मैसेज लिखती है कि यूजर को वो पूछती है कि राइट योर फाइल नेम, सोर्स फाइल नेम एंड डेस्टिनेशन फाइल नेम, यानी प्रॉम्प्ट मैसेज जो है जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है वो भी एक सिस्टम कॉल होती है। अब स्क्रीन पे ये प्रॉम्प्ट हो सकता है, डिफरेंट वेज है इसके, आपको कोई हो सकता है मैसेज स्क्रीन पे अपीयर हो गया एंटर योर फाइल नेम, या जो है कुछ और वे हो सकता है जिसके थ्रू यूजर को जो है वो प्रॉम्प्ट किया जा सकता है कि एंटर योर फाइल नेम। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम कॉल जो है डेट इज एक्सेप्ट इनपुट, कि यूजर जो भी इनपुट देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जैसा विंडोज एनवायरनमेंट में है कि हम डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाता है जिसमें हमारे पास सारे फोल्डर्स और फाइल्स नजर आ रही होती हैं, वहां से हम यूजिंग माउस जो है कोई भी फाइल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट प्रॉम्प्ट मैकेनिज्म है जिसमें हमें टाइप नहीं करना पड़ा बल्कि हमें जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू या माउस के थ्रू जो है हम अपनी फाइल को इनपुट फाइल और आउटपुट फाइल के नेम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो तीसरी सिस्टम कॉल जो है इट विल एक्सेप्ट योर इनपुट, कि आपने जो फाइल अब सिलेक्ट की है ये उसको एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद एक और सिस्टम कॉल जो है डैट विल रिक्वायर द आउटपुट फाइल नेम, अब उसमें भी फर्दर एक और सिस्टम कॉल जनरेट होगी विच विल डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट मैसेज टू द स्क्रीन। अगेन अब यूजर जो है आइदर ही कैन टाइप द डेस्टिनेशन फाइल नेम या जो है उसको वो जी यू आई बेस्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम कॉल जो है इट विल एक्सेप्ट द आउटपुट फाइल नेम। उसके बाद उससे नेक्स्ट सिस्टम कॉल जो है एक जनरेट होगी डैट विल ओपन द इनपुट फाइल, कि ये जो फाइल आपने इनपुट फाइल नेम दिया है अब इस फाइल को ओपन करना है इसमें। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, अब देखें जब फाइल को वो ओपन करने की कोशिश करती है सिस्टम कॉल, तो दो टू पॉसिबिलिटीज हैं, या तो फाइल जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाती है या ओपन नहीं होती। द रीजन माइट बी कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही या कोई और जो है यूजर जो है वो ऑथोराइज नहीं है इस फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो उस केस में जो है हमें एक और सिस्टम कॉल चाहिए होगी जो कि स्क्रीन पे एरर मैसेजेस को डिस्प्ले करती है, यानी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये इस सारे ऑपरेशन को अबॉर्ट करने के लिए देयर वुड बी अनदर सिस्टम कॉल जो कि बैकग्राउंड पे यूज होगा। और अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाती है इन दैट केस जो है वी विल क्रिएट द आउटपुट फाइल। अब आउटपुट फाइल क्रिएट करने के लिए अगेन जो है हो सकता है सक्सेसफुली आउटपुट फाइल जो है वो क्रिएट हो जाए या उसमें भी एरर्स आ सकते हैं उस प्रोसेस में, लाइक हो सकता है कि इस नाम की एक ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है लिहाजा वो क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो वो आपको एरर मैसेज देगा कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, आप कोई नई इसी नाम की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं फिर भी, या आप डिफरेंट नेम रखना चाहते हैं, इस तरह का मैसेज आ सकता है। या हो सकता है कि अगर वो आपको इस तरह का मैसेज नहीं देता तो वो सिंपली इस ऑपरेशन को अबॉर्ट कर दे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है। तो अगेन अ सिस्टम कॉल विल बी नीडेड आइदर टू successfully create the output file or to display the error messages on the screen. Okay, अब उसके बाद हमें एक और सिस्टम कॉल चाहिए होगी जो कि इनपुट फाइल के कॉन्टेंट्स को रीड करती है और उनको आउटपुट फाइल के अंदर जो है वो राइट करती है। तो ये एक लूप के अंदर जो है ये प्रोसेस परफॉर्म होगा कि वन सिस्टम कॉल विल रीड द कॉन्टेंट्स ऑफ द इनपुट फाइल एंड अनदर सिस्टम कॉल विल राइट दीज कॉन्टेंट्स टू द आउटपुट फाइल। तो ये लूप के अंदर जो ये दो सिस्टम कॉल जो ये प्रोसेस जो है वो करेंगी अनटिल द रीड ऑपरेशन जो ये कंप्लीट्स या इट फेल्स। तो अगेन जो है देयर आर चांसेस कि कोई एरर अगर हो सकता है तो हमारा रीड ऑपरेशन जो ये फेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि डिस्क के ऊपर स्पेस ही नहीं है इतनी, तो वो एरर मैसेज देगा देयर इज नो नॉट एनफ डिस्क स्पेस और आपका प्रोग्राम जो है वो अबॉर्ट कर जाए। या जो है हो सकता है कि ये लूप जो है ये सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाता है, तमाम यानी कि ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देन देयर वुड बी अनदर सिस्टम कॉल दैट विल क्लोज द आउटपुट फाइल।
जो कि आउटपुट फाइल को क्लोज करेगी. उसके बाद जो है देयर वुड बी अनदर सिस्टम कॉल्ड दैट विल राइट द कंप्लीशन मैसेज टू द स्क्रीन के ऑपरेशन दैट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड. एंड फाइनली देयर वुड बी अ सिस्टम कॉल जो कि आपके प्रोग्राम को सक्सेसफुली टर्मिनेट कर देगी. तो नाउ यू कैन इमेजिन कि आपने जो वो सी का प्रोग्राम लिखा था उसके बैकग्राउंड में कितनी ज्यादा सिस्टम कॉल्स जो है वो इस्तेमाल हो रही है. तो प्रोग्रामर की लाइफ कितनी ईजियर है कि हम जस्ट जो है फ्यू कमांड्स इस्तेमाल करते हैं हमें सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर, लेकिन बैकग्राउंड में वो जो एपीआई जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो सिस्टम कॉल्स है वो जनरेट कर रही है टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टैंडर्ड एपीआई. Win32 एपीआई में फॉर एग्जाम्पल अ फंक्शन फॉर रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, फंक्शन नेम इज रीड फाइल. ये रीड फाइल जो है ये फंक्शन है. तो ये रीड फाइल के जो है ये देखें ये इसका फंक्शन हेडर उन्होंने दिया हुआ है. ये उसकी रिटर्न टाइप है और ये जो है उसके वेरियस पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स. एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स क्या करते हैं. Okay, system calls, how they are implemented. Okay, before this, let's take an overview that as you see here in this figure that there is a user application. User application jo hai, wo open jo hai, कॉल जो है वो जनरेट करती है. तो ये सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर है. ये कॉल जो है ये पास होती है इस लेयर को. आगे जो है अब सिस्टम कॉल्स हैं इंप्लीमेंट कैसे की होती है. इस ओपन कॉल के अगेंस्ट जो है एक नंबर जो है एक टेबल जो है वो मेंटेन, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल मेंटेन करता है. आप इसको कह सकते हैं कि ये सिस्टम कॉल्स टेबल है, या ये इस टेबल के अंदर जो है जितनी भी सिस्टम कॉल्स होती हैं वो तमाम की तमाम इंडेक्स्ड होती है. और आगे जो है इस टेबल के अंदर जो उस इंडेक्स के अगेंस्ट एक एड्रेस दिया होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल का कौन सा कोड पार्ट जो है उसने एग्जीक्यूट करना, वो किस एड्रेस से जो है वो पार्ट जो है कोड का स्टार्ट हो रहा है. तो जब ये ओपन कॉल जनरेट करता है यूजर एप्लीकेशन जो है, तो ये ओपन के अगेंस्ट जो भी इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर के थ्रू इस टेबल में से लोकेट करता है कि जो ओपन के अगेंस्ट कोड उसने एग्जीक्यूट करना है वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, किस एड्रेस से स्टार्ट होता है, वो इस टेबल से इंफॉर्मेशन मिलती है. और आगे जो है इस टेबल से वो इंफॉर्मेशन ले के जो है फिर उसके बाद वो कंट्रोल जो है वो जिस तरह एक फंक्शन में कंट्रोल ट्रांसफर होता है यूजर एक मेन जो फंक्शन है उससे सब फंक्शन को, इसी तरह यहाँ पे कंट्रोल अब ट्रांसफर हो जाएगा उस रिस्पेक्टिव सिस्टम कॉल को. यानी पहले कंट्रोल किसके पास था, यूजर एप्लीकेशन के पास था. जब यूजर एप्लीकेशन ने कॉल जनरेट की तो उसके बाद वो कंट्रोल किसको पास हो जाएगा, वो कंट्रोल पास हो जाएगा उस सिस्टम कॉल के रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर जहाँ पे उसका कोड पड़ा हुआ. और जब वो सक्सेसफुली सिस्टम कॉल आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद वो भी उसी तरह रिटर्न करती है कंट्रोल वापस बैक टू द यूजर एप्लीकेशन. यहाँ पे एक और चीज हम देख रहे हैं, यूजर मोड और कर्नल मोड. ये क्या है यूजर मोड एंड कर्नल मोड? दिस इज द प्रिविलेज लेवल. ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रिविलेज लेवल डिफाइन करता है कि हमारी जितनी भी यूजर एप्लीकेशंस होती हैं, जो प्रोग्राम्स यूजर प्रोग्राम्स होते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सिस्टम के मोड में जिस मोड में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं यूजर मोड. और जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त जो मोड होता है उसको हम कहते हैं कर्नल मोड, या मॉनिटर मोड भी इसको कहा जाता है, या सुपरवाइजर मोड भी कहा जाता है. तो डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट टेक्स्ट डिफरेंट नेम्स यूज करते हैं. तो कर्नल मोड, सुपरवाइजर मोड या मॉनिटर मोड. अब इन दोनों मोड्स के दरमियान डिफरेंस क्या है? एक्चुअली डिफरेंस जो है वो प्रिविलेज लेवल का है. मीन्स यूजर मोड के अंदर जो है यूजर एप्लीकेशंस सर्टन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती फॉर द रीजन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. वेयर एज कर्नल मोड के अंदर जो है
प्रोग्राम जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास तमाम प्रिविलेजेस होती हैं, कोई भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको व्यू कर सकते हैं कि यूजर मोड एक लेस प्रिविलेज्ड लेवल है, जबकि कर्नल मोड जो है वो एक मोर प्रिविलेज्ड लेवल है, जिसमें हर तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट की जा सकती हैं, जबकि यूजर मोड में लिमिटेड जो इंस्ट्रक्शन होती हैं सिर्फ वही एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये जो सिस्टम कॉल्स होती हैं ये हमेशा कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमेशा कर्नल मोड के अंदर एग्जीक्यूट करता है, जबकि यूजर एप्लीकेशन है वो हमेशा जो है वो यूजर मोड के अंदर जो है वो रन करती है। तो जब भी एक सिस्टम कॉल जनरेट करता है कि यूजर एप्लीकेशन, तो मोड चेंज होगा, यूजर मोड से कर्नल मोड जो है वो चेंज होगा, और उसके बाद जो है वो आपका इंडेक्स के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पेक्टिव जो पार्ट है उसका एड्रेस कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद जो है वो उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। और जब सिस्टम कॉल कंप्लीट हो जाती है तो कंट्रोल रिटर्न करने से पहले अगेन वो मोड चेंज करेगा, कर्नल मोड से वापस स्विच करेगा यूजर मोड में, और उसके बाद कंट्रोल वापस यूजर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है कि टिपिकली अ नंबर इज एसोसिएटेड विद ईच सिस्टम कॉल, कि हर सिस्टम कॉल के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है, एंड दिस नंबर जो है इट इज यूज्ड एज एन इंडेक्स इनटू अ टेबल, और उस टेबल से जो है उस इंडेक्स पे हम क्या फाइंड करते हैं, हमें वहां से एड्रेस मिलता है हमारी उस सिस्टम कॉल के का एड्रेस मिलता है कि वो कहाँ पे पड़ी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम में, किस एड्रेस पे पड़ी हुई। सो सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है इट मेंटेन्स अ टेबल इंडेक्स्ड अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर होपफुली इंटरप्ट ATH यूज किया होगा, किया कभी? और इस नंबर के अगेंस्ट टेबल जो इंडेक्स होता है, यानी 20 नंबर के अगेंस्ट जो है उस इंडेक्स पे टेबल में आगे एक एड्रेस पड़ा होता है, और उस एड्रेस पे जो है वो कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर होता है। सिमिलरली सिस्टम कॉल्स का केस है कि बैकग्राउंड में बाहर तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि जी ओपन हम यूज कर रहे हैं सिस्टम कॉल में, लेकिन ये ओपन जो है इसके बैकग्राउंड पे एक नंबर जो है वो एलोकेटेड होता है, वो नंबर जो है उसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, और उस टेबल में जो है उस इंडेक्स पे जाके हम जो है वो एड्रेस फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे हमारा ये सिस्टम कॉल का कोड पड़ा होता है। गॉट द पॉइंट? सो सिस्टम कॉल इंटरफेस जो है इनवोक्स इंटेंडेड सिस्टम कॉल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड रिटर्न्स द स्टेटस ऑफ द सिस्टम कॉल एंड एनी रिटर्न वैल्यूज। द कॉलर नीड नो नथिंग अबाउट हाउ द सिस्टम कॉल इज इम्प्लीमेंटेड। जो कॉलर जो है प्रोग्राम जो है कोई पता नहीं होता कि बैकग्राउंड पे किस तरह सिस्टम कॉल जो है वो हैंडल हो रही है या कितनी सिस्टम कॉल जनरेट हो रही है। हम जस्ट जो है वो स्टैंडर्ड API यूज करते हैं, और आगे API की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी कि वो ये पैरामीटर्स पास करने और रिटर्न रिजल्ट्स को रिटर्न करना वापस यूजर एप्लीकेशन को, ये तमाम की तमाम जो है ये API का हेडेक है। यूजर एप्लीकेशन जो है नीड्स नॉट टू नो एनीथिंग अबाउट हाउ द सिस्टम कॉल इज इम्प्लीमेंटेड। सो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हाउ व्हाट इट हैज डन, इट हैज हिडन द डिटेल्स फ्रॉम द प्रोग्राम, इट हैज मेड लाइफ ऑफ द प्रोग्रामर मोर इजियर बाय हाइडिंग दीज डिटेल्स। कि अगर हमें खुद से ये सारे काम करने पड़े तो ऑब्वियसली इट वुड बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ प्रोग्रामर टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल्स फ्रॉम द सी प्रोग्राम। के लाइक आप सी के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ये एक लाइब्रेरी कॉल जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं जो कि istream.h फाइल के अंदर जो है वो डिफाइंड है, लाइक सी इन या सी आउट फंक्शन सिमिलरली जो है वो दे आर डिफाइंड इन दी istream.h, या ये प्रिंट एफ जो है दिस इज डिफाइंड इन दी stdio.h हेडर फाइल, या इसको लाइब्रेरी फाइल भी हम कहते हैं जो कि हमें वो कंपाइलर प्रोवाइड करता है सी का। तो यूजर प्रोग्राम जो है वो प्रिंट एफ को कॉल कर रहा है, वो एक्चुअली स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता है, ग्रीटिंग्स। बैकग्राउंड में क्या होगा, इसके अगेंस्ट एक सिस्टम कॉल जनरेट होगी,
दिस सिस्टम कॉल इज नोन एज द राइट सिस्टम कॉल. यानी हमने किसको कॉल किया, हमने हमारा यूजर प्रोग्राम कॉल करता है API डिफाइंड फंक्शन नेम को. यानी API ने हमें क्या डिफाइन किया था, प्रिंट एफ, हमने प्रिंट एफ को कॉल किया. अब आगे वो जो API है या वो जो लाइब्रेरी है सी की, वो आगे इन टर्न किसको कॉल कर रही है, वो सिस्टम कॉल को कॉल करती है. एंड इन दिस केस प्रिंट एफ के अगेंस्ट जो सिस्टम कॉल है दैट इज द राइट सिस्टम कॉल. तो ये आप देख रहे हैं प्रिंट एफ से कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी को, यानी हमारी API को. अंटिल दिस पॉइंट आवर प्रोग्राम इज रनिंग इन द यूजर मोड. अब वो जो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी है, जो API है, वो आगे प्रिंट एफ के अगेंस्ट राइट सिस्टम कॉल जनरेट करती है. जब वो ये कॉल जनरेट करती है तो मोड जो है वो चेंज हो जाता है, हम यूजर मोड से हमारा सिस्टम जो है वो कर्नल मोड के अंदर चला जाता है, और वहां पे फिर वो राइट सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट होती है, जो भी उसके रिस्पेक्टिव कोड होगा. और उसके बाद जब वो राइट सिस्टम कॉल फिनिश होती है तो ये कंट्रोल ट्रांसफर वापस किसको करती है, सी लाइब्रेरी को, यानी API को. और इसके बाद ये इसके साथ साथ ये क्या करती है, ये मोड चेंज कर देती है, कर्नल मोड से वापस सिस्टम स्विच कर जाता है यूजर मोड के अंदर. एंड देन API से वापस जो है रिजल्ट जो है या कंट्रोल जो है इट इज ट्रांसफर बैक टू द यूजर प्रोग्राम, वो उसको वापस रिटर्न कर दिया जाता है. सर हम ये कह सकते हैं कि API जो है वो कम्युनिकेशन का काम कर रही है बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड. सॉरी जरा लाउडली थोड़ा सा बोलिएगा. हाँ सर, मैंने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि जो APIs है वो एज अ वर्क कर रही है कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड. जी यस, यू कैन से कि ये जो है ये हमारा एक इंटरमीडिएट लेयर है API जो है बिटवीन द यूजर मोड एंड द कर्नल मोड. यानी इस लेयर से ऊपर API से ऊपर ऊपर यूजर लेवल पे जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे यूजर मोड के अंदर हो रहे हैं, एंड बिलो दिस लेयर जो है वो सारे का सारा वर्क जो है दैट इज इन द कर्नल मोड, वो कर्नल मोड के अंदर हो रहा है. ओके, जो पैरामीटर्स पास हम करते हैं, लाइक इस केस में आप देखोगे प्रिंट एफ के पैरामीटर्स क्या है, वो स्ट्रिंग मैसेज है जो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है. ये हमारे पैरामीटर्स हैं जो कि हम ट्रांसफर करते हैं किसी भी सिस्टम कॉल को विद द हेल्प ऑफ API. ठीक है, तो ये पैरामीटर्स कैसे पास होते हैं, तीन तरीके हैं पैरामीटर्स को पास करने के. लेट्स सी हाउ दीज पैरामीटर्स आर पास्ड. सो द सिंपलेस्ट वे टू पास दीज पैरामीटर्स इज कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं इनको रजिस्टर्स के अंदर रख दिया जाता है, और वहां से जो है आपका जो डिजायर्ड सर्विस जिसको आपने कॉल किया है वो इन रजिस्टर्स से इन पैरामीटर्स को रीड करके तो इनके ऊपर जो भी एक्शन लेना वो ले लेती है. तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे. अब ये सिंपलेस्ट तो है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि चूंकि हमारे पास रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर लिमिटेड इन नंबर, हमारे पास बहुत थोड़े से रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं सिस्टम के अंदर, तो लिहाजा अगर पैरामीटर्स ज्यादा हैं तो वो सारे के सारे रजिस्टर्स के अंदर नहीं आ सकते. सेकेंडली, अगर रजिस्टर्स जो है उनका एक फिक्स साइज होता है, अगर पैरामीटर्स जो है वो साइज में ज्यादा है उसकी, यानी लेंथ ज्यादा है पैरामीटर्स की, तो वो रजिस्टर्स के अंदर उस केस में वो फिट नहीं हो सकते. तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं इस स्कीम के कि अगर हम रजिस्टर्स के थ्रू पैरामीटर जो है वो पास करते हैं. तो दूसरा मेथड पे क्या है कि पैरामीटर्स जो है दे आर स्टोर्ड इन अ ब्लॉक और टेबल इन द मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी के अंदर एक टेबल क्रिएट करता है और उस टेबल के अंदर जो ये पैरामीटर स्टोर कर दिए जाते हैं, और उस टेबल का जो एड्रेस जो होता है या उस मेन मेमोरी के एरिया का एड्रेस जो होता है वो एक रजिस्टर के अंदर रख दिया जाता है, और वहाँ से जो है वो फिर जो भी आपका रिस्पेक्टिव कोड है वो उस रजिस्टर से एड्रेस फाइंड आउट करता है और उस एड्रेस पे जाके मेन मेमोरी से वो पैरामीटर्स को रीड कर देता है. तो लिनक्स और सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये वाली स्कीम इस्तेमाल करते हैं. इस स्कीम का एडवांटेज ऑब्वियसली ये है कि हमारे पास अब कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि हमने कितने पैरामीटर्स पास करने हैं, क्योंकि मेन मेमोरी जो वी हैव एनफ स्पेस इन द मेन मेमोरी, वी कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स. दूसरा, हमें जो दूसरा ड्रॉबैक देखा था रजिस्टर्स के केस में
साइज का एक इशू था, तो वो भी अब इशू यहाँ पे नहीं रहेगा। मेन मेमोरी जितना मर्जी बड़ा पैरामीटर आप जो है स्टोर कर लें, लेकिन इस स्कीम का एक अपना डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि चूंकि रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर फास्टर एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी, यानी जो उनका एक्सेस टाइम होता है रजिस्टर्स का वो कम होता है, वहाँ से हम ज़्यादा स्पीड के साथ जो है पैरामीटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेन मेमोरी के केस में जो हमारी स्पीड जो है वो सिस्टम की स्लो हो जाती है, क्योंकि मेन मेमोरी की स्पीड जो इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। लिहाजा यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा हो सकता है कि हमारा सिस्टम जो है उसको डिले, बल्कि डेफिनेटली उसको डिले फेस करना पड़ता है। तीसरा जो मेथड है दैट इज कि पैरामीटर्स जो है दे आर पुश्ड ऑन द स्टैक, के प्रोग्राम जो है स्टैक जो है उसके ऊपर पैरामीटर्स को पुश कर देता है और उस स्टैक एरिया में से ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इन पैरामीटर्स को जो है वो पॉप कर लेता है और इस तरह वो इसको रीड कर सकता है। तो इसका भी एडवांटेज यही है स्टैक यूज करने का, कि स्टैक के केस में भी जो है हमें ये साइज पैरामीटर साइज या पैरामीटर लेंथ जो है उसका इशू फेस नहीं करना पड़ता। However, इस स्कीम का डिसएडवांटेज भी यही है जो कि प्रीवियस स्कीम मेमोरी स्कीम का था, कि स्टैक जो है ये भी चूंकि मेन मेमोरी के अंदर जो है एलोकेट होता है, तो अगेन वो टाइम वाला जो इशू है एक्सेस टाइम का जो इशू है वो हमें फेस करना पड़ सकता है इसमें। तो ये तीन मेथड्स थे पैरामीटर्स को पास करने के, आइदर यू कैन यूज रजिस्टर्स या मेमोरी के अंदर टेबल को इस्तेमाल हो सकता है या जो है स्टैक जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये दिखाया गया है कि जी अगर वाया टेबल पास होते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये यूजर प्रोग्राम था एक्स पैरामीटर्स फॉर द कॉल, ओके उसके बाद जो है लोड एड्रेस एक्स इनटू अ रजिस्टर, वो एक रजिस्टर के अंदर उसने एक्स जो है वो एड्रेस स्टोर कर दिया और उसके बाद जो है सिस्टम कॉल 13 जो है वो जनरेट हुई है। जैसा कि मैंने कहा था कि सिस्टम कॉल के बैकग्राउंड में क्या होता है कि नेम के बैकग्राउंड पे एक नंबर जो है वो होता है और वो नंबर के थ्रू जो है वो सिस्टम कॉल टेबल में से फाइंड आउट करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रिस्पेक्टिव कोड है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये दिखाया हुआ है कि कोड फॉर सिस्टम कॉल 13 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया के अंदर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है कोड जो है ये पैरामीटर्स अब रीड करने के लिए क्या करेगा, ये रजिस्टर एक्स में से रजिस्टर में से जाएगा और वो जो एड्रेस एक्स है उस एड्रेस पे जाके ये पैरामीटर जो है वो रीड कर सकता है। वो एड्रेस एक्स जो है वो क्या चीज़ मेंशन कर रहा है, वो एक टेबल का एड्रेस है जो कि मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो उस टेबल से जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या ये जो सिस्टम कॉल 13 है ये पैरामीटर जो है वो जाके रीड कर सकती है। ओके सिस्टम कॉल्स की टाइप्स कौन कौन सी है, प्रोसेस कंट्रोल से रिलेटेड अगर हम देखें तो सिस्टम कॉल्स क्या करती हैं कि वो प्रोसेस को एंड करती हैं या अबॉर्ट करती हैं। अबॉर्ट मींस कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। इसके अलावा प्रोसेस को लोड करना मेमोरी के अंदर, उसको एग्जीक्यूट करना, इससे रेलिवेंट सिस्टम कॉल्स होती हैं। प्रोसेस को क्रिएट करना, टर्मिनेट करना, प्रोसेस एट्रीब्यूट्स गेट करने लाइक इस प्रोसेस जो है ये कितनी देर एग्जीक्यूट हो सकता है या इसका यूजर ओनर कौन है, ये हमारे उस प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स को रीड करना या इन एट्रीब्यूट्स को सेट करना उससे रेलेवेंट सिस्टम कॉल्स है। फिर वेट इवेंट, सिग्नल इवेंट जो है उससे रेलेवेंट सिस्टम कॉल्स है। वी विल लुक इन डिटेल दैट व्हाट आर दीज सिस्टम कॉल्स व्हेन वी विल गो टू द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। अभी जस्ट हमें जो है एक जनरल ओवरव्यू जो है वो हम ले रहे हैं कि सिस्टम कॉल्स जो है किस तरह की होती है और क्या करती है। इसी तरह फाइल मैनेजमेंट के अंदर जो है उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास सिस्टम कॉल्स है फाइल क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ओपन या क्लोज करने के लिए एटसेट्रा। देन डिवाइस मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिस्टम कॉल्स क्या करती है, डिवाइस को रिक्वेस्ट करना, उसको रिलीज करना, यानी आफ्टर यूज जब आप लाइक आपने प्रिंटर को आपको यूज करना तो पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा क्या ये डिवाइस अवेलेबल है, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट सिस्टम कॉल जो है वो सेंड करते हैं।
और जब हम प्रिंटर को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद उसको हमने रिलीज करना होता है, तो रिलीज सिस्टम कॉल जो जनरेट करेंगे, रीड राइट रीपोजिशन, ये सारी की सारी जो है दीज सिस्टम कॉल्स आर यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट। देन इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस से रेलेवेंट सिस्टम कॉल्स हैं, लाइक हमें सिस्टम का टाइम सेट करना है, टाइम रीड करना है, डेट सेट करनी है, प्रोसेसेस या फाइल्स के एट्रीब्यूट्स जो है उनको हमने देखना है, तो ये सारे की सारी जो है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस से रेलेवेंट सिस्टम कॉल्स हमें चाहिए होंगी। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, उनको ख़त्म करना, मैसेजेस को सेंड करना, रिसीव करना, ये सारी की सारी सिस्टम कॉल्स हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं विंडोज़ और यूनिक्स सिस्टम कॉल्स की। लाइक प्रोसेस कंट्रोल के हवाले से विंडोज़ जो है वो हमें क्या कॉल्स प्रोवाइड कर रही है, क्रिएट प्रोसेस, ये कॉल क्या करती है, ये प्रोसेस को क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका नेम क्रिएट प्रोसेस नहीं होगा, वहाँ पे इसका नेम फोर्क होगा। इसी तरह एग्जिट प्रोसेस है विंडोज़ के अंदर, जबकि लिनक्स एनवायरनमेंट या यूनिक्स के अंदर उसका नेम जो है वो एग्जिट है, और क्रिएट फाइल वहाँ पे ओपन है इसका नेम, रीड फाइल वहाँ पे सिंपली रीड नेम है, विंडोज़ के अंदर राइट फाइल है वहाँ पे सिंपली इसका नेम राइट है। तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं कि विंडोज़ और यूनिक्स के अंदर सिस्टम कॉल्स हैं उनके नेम्स जो हैं वो कैसे आप देखेंगे वेरी कर रहे हैं। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? नो सर। नो सर। ओके जी ठीक है, सी यू टुमारो। जो हमने टाइम डिसाइड किया था कल ही था ना लेक्चर रखा थर्सडे को ही, तो कल जो है इंशाल्लाह। हाँ जी सर, अटेंडेंस जो अभी एट द मोमेंट द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट दे विल बी मार्क, जो है तमाम को जो है मार्क कर लूँ। और कुछ? चलो ठीक है जी, सी यू सर। काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग जरा शेयर कर दिएगा। किसकी? इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग। ओके ओके फाइन ठीक है। ओके जी सी यू और सर इस स्लाइड ये मैं शेयर कर दूंगा, नो वरीज। अल्लाह हाफिज़ सर।